नमस्कार, कुक एंड लर्न विद मृदुला चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार संस्कृति और परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं और इन त्योहारों पर बच्चे इंतजार करते हैं मिठाई और नमकीन का। इसी परंपरा को बढ़ाते हुए मकर संक्रांति के अवसर पर बनने वाले मूंग दाल के वेजिटेबल मंगोड़े आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे। वेजिटेबल मंगोड़े बनाने के लिए हमने मूंग की 250 ग्राम दाल को गर्म पानी में 2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये बिल्कुल अच्छी तरह भीग चुकी है। देखिए, अगर हम नाखून से इसको काटेंगे तो ये आराम से कट रही है। और इसमें से थोड़ी सी दाल हमने निकाल कर अलग रख ली है। पेस्ट बनाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हरा धनिया है, 1 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अगर आप नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। 2 टेबलस्पून पत्ता गोभी के लिए हैं, 2 टेबलस्पून पालक है, 2 टेबलस्पून ही हमने गोभी के लिए हैं। ये सारी सब्जियां मिलाकर लगभग 100 ग्राम के हैं। ये 2 टेबलस्पून हमने साल्ट लिया है, इसको हम आवश्यकतानुसार डालेंगे। थोड़े से हमने करी पत्ता लिए हैं, ये सूखे हुए हैं, आपको फ्रेश मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। हरी मिर्च को भी हमने चॉप कर लिया है। ये कुछ मसाले हैं, इनको हम ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड करेंगे। सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है और एक हमने लिए ये लाल मिर्च, इसको भी इसके साथ पीसेंगे। लेकिन जब हम मिक्सी को खोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और कुछ मसाले हम ये बाद में डालेंगे, इनको हम साबुत ही डालेंगे। इसमें हरा, ये एक धनिया है, साबुत धनिया, सौंफ, 1 टेबलस्पून हमने इसमें लिया है अमचूर पाउडर और ये लिया है अनारदाना। ये सभी मसाले एक एक हमने टेबलस्पून लिए हैं। आइए अब हम दाल को पीसकर पहले तैयार करते हैं। दाल को पीसने से पहले दाल को एक बार हम और धो लेंगे इसमें पानी डालकर। और दाल पीसते समय हमने ये ध्यान रखना है कि उसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। बिल्कुल हमने दाल को इसमें से छलनी में से हम छान लेंगे इसको, सारे पानी को। दाल को पीसते समय आप स्वाद के अनुसार हरी मिर्च इसमें पीस लेंगे। इसके साथ ही मैंने सिर्फ एक ही हरी मिर्च डाली है। अगर बच्चे नहीं खाते तो आप इसको मत डालें। थोड़ी थोड़ी करके हम दाल को पीस लेंगे, पानी बिल्कुल ना डालें इसमें। आपने दरदरी सी दाल पीसनी है। दाल इस तरह से होनी चाहिए, दरदरी, बहुत ज्यादा बारीक हमने दाल नहीं करनी। इसी तरह से हम सारी दाल को पीस लेंगे। दाल को हम 5 मिनट एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे ताकि इसमें अच्छी सी हवा आ जाए और ये फ्लफी हो जाए और पकोड़े हमारे बहुत ही खस्ता और बढ़िया बने। 5 मिनट हो गए हैं और दाल हमारी बहुत ही अच्छी फूल कर तैयार हो गई है। इसके लिए हम इसको देख भी सकते हैं, पानी में इसको डालेंगे। देखिए, पानी के ऊपर तैर रही है दाल, तो इसका मतलब है कि हमारी दाल बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। अब इसमें हम सब्जियां मिलाते हैं। मसाले रोस्ट हो गए हैं, गरम तवे पर डाल दिए थे, अब जार में डालकर इनको मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये दाल जो हमने बिना पिसी रखी थी, इसको मैंने एक टिश्यू पेपर पर और एक कपड़े पर डाल दिया है इसको, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो टिश्यू पेपर अपने अंदर सोख ले। अभी इसको हम सब्जियां डालने के बाद ऐड करेंगे, इतनी देर में ये ड्राई हो जाएगी। सबसे पहले ऐड करेंगे 8-10 ये करी पत्ता के लीव्स हैं, गोभी, हरा धनिया, आलू, पत्ता गोभी, पालक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जो मसाले हमने अभी कूट कर तैयार किए थे वो डालेंगे। ये मसाले मैं आधे डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा हैं,
ये फिर काम आ जाते हैं बाद में जब हम कोई डिश बनाते हैं। कुछ ये बिना कूटे हुए मसाले डाल रहे हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे हींग। हींग से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया क्योंकि अगर हम नमक पहले मिला देंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज कर देंगी सारी सब्जियाँ। और ये जो हमने दाल रखी थी पहले, ये सारी की सारी दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अभी ड्राई हो गई थी क्योंकि सब्जियाँ जब मिलती हैं नमक के साथ तो बहुत सारा पानी रिलीज कर देती हैं और वो हमें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमारे ये मंगोड़े भी अच्छे नहीं बनेंगे। मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया पकौड़ों के लिए। मंगोड़े या पकौड़े आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। थोड़ा नमक डाल के पहले इसको मिक्स कर देंगे ताकि इसमें आराम से ये फैल जाए नीचे तक। नमक आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तेल गरम हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। इसी आकार के आप छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहें। ये मीडियम फ्लेम पे रखना है हमने, बिल्कुल लोअर मीडियम पे, ताकि ये अंदर तक पक जाएं। इन पकौड़ों को हम दो बार तलेंगे क्योंकि ये सब्जियां हैं इसके अंदर, ये ऊपर से अच्छी तरह से क्रंची जब ही होंगे जब हम इनको दो बार अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम इस तरह से गोला बनाते हुए इसका शेप देते हुए इसको हम तल लेंगे। आपने शुरू में जब गैस को बिल्कुल गर्म हो जाए, ऑयल जब लो फ्लेम पे रखना है क्योंकि हमने इनको मंगोड़ों को दो बार में तलना है। तो पहली बार जब आप इनको फ्राई करोगे तो गैस को बहुत ही लो फ्लेम पे रखना। दूसरी बार जब हम करेंगे तब हम इसे हाई फ्लेम पे करेंगे। लो फ्लेम पे रखने का ये फायदा है कि ये अंदर तक सिक जाएंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये मंगोड़े अभी एक बार सिक चुके हैं। इनको सिकने में 5 से 7 मिनट लगे हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, फिर बाद में हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम सारे मंगोड़े तल लेंगे। अब हम दोबारा मंगोड़ों को तलेंगे। इसके लिए आंच को हमने मीडियम हाई किया है। ये तेज है आंच इसकी। इनको हमने बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ इनको 1 मिनट के लिए हमने सेकना है लगातार चलाते हुए, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएं। इसमें मैंने साबुत धनिए का और अनारदाने का यूज किया है, इससे इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आप एक बार डाल के देखना। और प्रोटीन से भरपूर सब्जियां भी इसमें डली हुई हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आलू बच्चों के लिए ही डाला है क्योंकि बच्चों को आलू पसंद होते हैं और इसके साथ साथ सब्जियां भी वो खा लेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और जब जरूरत हो उतने आप ये मंगोड़ तल कर तैयार कर सकते हैं। अभी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है इनको दोबारा कर लेंगे फ्राई, बाकी को हम रख लेंगे। ये हमने बस इतने ही सेकने हैं। ये रेडिश हो गए हैं बिल्कुल, ध्यान से। तो लीजिए, मूंग की दाल के वेजिटेबल मंगोड़े बनकर तैयार है। देखिए कितने क्रिस्पी हैं। और तोड़कर भी मैं दिखा रही हूं, अंदर तक ये कितनी अच्छी तरह से सिक चुके हैं और टेस्ट भी इनका बहुत ही बढ़िया है। इनको मैंने धनिए की और पालक की चटनी के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी।
आधे मंगोड़ों को मैंने इसी तरह से बिना फ्राई किए रखा है। आप भी पहले से ही ऐसी तैयारी करके रख सकते हैं और जब मन करे आप इनको फुल फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए सिंपल से सिंपल और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आ सकूं। थैंक यू।